हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीगोरा 50 mg की टेबलेट होती है, 100 mg की टेबलेट होती है, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। दोस्तों आज ये सारी जानकारी इस वीडियो हम देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इस टैबलेट का उपयोग हम मुख्य रूप से संभोग करने के लिए करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अधिक टाइम देने के लिए इस टैबलेट का उपयोग हम करते हैं, बार बार करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग हम करते हैं। कम से कम 3 से 4 घंटे तक लगातार संभोग करने में इस टैबलेट का उपयोग हम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्टनर के साथ अधिक टाइम देने के लिए, अधिक मजे लेने के लिए इस टैबलेट का उपयोग हम करते हैं। दोस्तों बार बार करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग हम करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। यहाँ दोस्तों, इस टैबलेट को लेने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, उल्टी होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, थकान होना, जिसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। अगर इसे कोई भी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिल सकते हैं दोस्तों, और ये दवा आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है। बिना सलाह से दवा नहीं ले, आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर की दवा मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इस दवा को कब लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस दवा को आप संभोग करने से 1 घंटे पहले दूध या पानी के साथ आप दवा को ले सकते हैं। दोस्तों इसमें 4 दवाई होती है, यानी 4 टेबलेट होती है, उसमें से आपको 1 टेबलेट संभोग करने से पहले 1 घंटा पहले लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।